नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आज के मुख्य समाचारों में बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह मानोता और भाजपा मंडल अध्यक्ष सैंथल विशन सिंह गुर्जर एवं कुंडल मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश जैमन सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि बाजरे की फसल में लट लगने से लगभग 50% फसल नष्ट हो गई है, जिसमें किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि फसल बीमा के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत राशि भी जमा कराई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर प्रत्येक किसान से राशि वसूली जाती है। अतः ऐसे में बाजरे की फसल लट लगने व कम वर्षा होने से सूखा पड़ने के कारण नष्ट हो गई है और कम वर्षा के कारण सूखा पड़ने से फसल में नुकसान हुआ है। नुकसान के लिए बीमित फसल की गिरदावरी कराकर मुआवजा दिलवाया जाए। किस तरह का ज्ञापन है, क्या मामला बताएं? देखिए क्या है कि अबकी बार जो ही ये सीजन चालू हुआ है, उसी समय से हमारे दौसा जिले में प्रकृति का विभिन्न प्रकार का प्रकोप हमको झेलना पड़ रहा है। पूर्व में तो जिले में आधे से ज़्यादा जिले में बरसात ही कब 1.5 महीने बाद में हुई है, और जहाँ अगेती फसल हुई है उसमें इस समय बहुत भयंकर बीमारी कीटों की लग रही है, तो जड़ों में भी लग रही है, ऊपर भी लग रही है, और अब तो बालियों में इस तरह की कीटें हो रही हैं कि जैसे लकड़ी बीत जाती है उस तरीके से पूरी फसल चौपट होने जा रही है। इसलिए हम सारे ज़िले के विशेषकर दौसा तहसील के जितने भी हमारे मंडलों से किसान हैं वो सब यहाँ आए हैं, और हम क्योंकि इस समय राजस्थान की सरकार तो बिल्कुल सोई हुई है, तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं ताकि गिरदावरी करवा करके और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका समय पर उचित भुगतान करवाएं। जैसा कि प्रत्येक किसान जो है प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत कुछ रकम जमा भी करवाता है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी विपदा की घड़ी में उस किसान प्रधानमंत्री बीमा राहत कोष से किसानों को कुछ न कुछ हेल्प दिलवाने की कृपा करें। यही इसी विषय में हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। नाम बताओ आपका। जयसिंह मानोता, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा दौसा।